Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ना कोई डर ना कोई भय, बोलो महाकाल की जय। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि शिव भक्तों की तरफ से अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अलग अलग जगह पर नीलकंठ की बारात भी निकाली जा रही है। भव्य शोभा यात्रा हमें शहर के कोने कोने में देखने को मिल रही है। बीते दिनों भी लुधियाना में महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी और भोलेनाथ की भक्ति में लीन भक्तों की तरफ से जमकर शोभा यात्रा का आनंद लिया गया और भोलेनाथ के जयकारे भी लगाए गए और भव्य शोभा यात्रा के बाद भोलेनाथ को छप्पन भोग भी लगाए गए और जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर भी लगाए गए। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी वालों 9 मार्च दिन मंगलवार को बड़ी विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका प्रयास पिछले कई महीनों तो साढ़े सेवादार बड़े उत्साह लुधियाना वासियों को इस दिन का बड़ा इंतजार से। अज वो घड़ी आ गई है। ये रूट सिविल अस्पताल तो शुरू होकर चौड़ा बाजार तो होंदा आ महाआरती संगला शिवालय मंदिर संपन्न होएगी। संत समाज की अध्यक्षता के आयोजन किया जा रहा है। बाहरों आर्टिस्ट आए हैं, कलाकार आए हैं, बंगाल तो आए हैं, कलकत्ता तो आए हैं। इस चैनल के राही मीडिया के राही मैं लुधियाना वासियों को अपील करता कि बढ़ चढ़ के परिवार समेत इस रथ यात्रा में शामिल हो ते भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। जय करे वीर बजरंगे। फेरे च जी 200 तो 250 लंगर स्टेजा लगिया हुई हैं। नाना करते 100 तो घट्टो घट झांकियों का इंतजाम कमेटी वालों किया गया वै। 10 वड्डे बैंड ने लुधियाना शहर के प्रसिद्ध कलाकार धार्मिक गायक घंटाघर चौंक च रेखी चौंक च 3 नंबर डिवीजन चौंक के अपने कलाकार अपना भगवान भोलेनाथ का सिमरन करेंगे। 2.5 लाख पैकेट चूरमे का प्रसाद का जिसे चांदी के सिक्के भगवान रुद्र पैक किए गए हैं छोटे छोटे बच्चों के राही। ये प्रसाद लुधियाना शहर के वासियों लिए वितरित किया जाएगा। लुधियाना से मुनीश की रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज। Right now and press the bell icon. Never miss an update.